अब जैसे हमने थोड़ा बॉलीवुड की बात करी रही दो तीन, तो लाइक अब मैं थोड़े बॉलीवुड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कभी आपको बात करते हुए लगा है सेलिब्रिटी से, स्पोर्ट्स पर्सन से, कि उनकी सक्सेस उनके हेड पे आ गई? कभी भी ऐसा कुछ कि बात करते हुए कि वैसे आपको वाइब्स आए कभी कभी भी कुछ? हाँ, कई बार लगता था कि कई जने नहीं, आप नाम मत लीजिए। सक्सेस हेड पे आ गई। देखो, वो तो सभी इतने कामयाब लोग थे कि मतलब अपने अपने क्षेत्र के सुपरस्टार्स ही थे, सुपरस्टार है ना। शाहरुख खान के साथ मैंने एक मुलाकात नहीं की है, लेकिन टेलीविजन इंटरव्यूज 3-4 बार की है। ऐश्वर्या राय के साथ एक बार एक मुलाकात की, 2 टेलीविजन इंटरव्यूज की है। अमिताभ बच्चन के साथ कई टेलीविजन इंटरव्यूज किए। तो बहुत लोगों से, शम्मी कपूर से बहुत बाद में, लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट इंटरव्यूज देवन के साथ मेरी एक मुलाकात मेरी निहायत फेवरेट है, क्योंकि मुझे देवानंद बहुत पसंद थे। ऐसा मुझे ये ज़रूर एक दो बार एहसास हुआ कि कई बार क्या है, आपके सब्जेक्ट का इंटरव्यू का टाइम सेट हो जाता है, लेकिन दरअसल उसका मन नहीं हो रहा होता है देने का, तो वो थोड़ा बुझा बुझा सा होता है, लेकिन फिर आप उसको समझा बुझा के यही बात इस तरह से लाइन पे ले आते हैं। यही बात मैंने आपका जो कॉन्वर्सेशन अनिल कपूर जो एक्टर उनके साथ देखी थी, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि बहुत बार होता है कि हाँ, सामने वाला उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है और उसमें वो इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है जबरदस्ती कर रहा है। तो वही बात आपने बोली, तो ऐसा भी हो चुका है।